हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज 15.2। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन सीखेंगे, वो आवर मिनट और सेकंड के, कि जो आवर मिनट सेकंड होती हैं उन्हें प्लस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट, हम इस वीडियो में ये सीखेंगे आज। ठीक है जी, पहले प्लस के क्वेश्चन है कुछ, उन्हें देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, कोई भी प्लस करने के लिए जिसमें आवर हो, मिनट हो, सेकंड हो या मिनट सेकंड हो, है ना, तो उन्हें कैसे प्लस करते हैं। तो इन्हें प्लस करने के लिए हम सेकंड सेकंड को प्लस करेंगे, मिनट मिनट में प्लस करेंगे और आवर को आवर में प्लस करेंगे। ठीक है, और इन्हें हम सबको अलग अलग प्लस करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका कैरी हम मिनट को दे दें और मिनट का कैरी आवर को दे दें। जैसा कि आप जो साधारण प्लस के क्वेश्चन होते हैं तो जैसे कि आप जो प्लस के सवाल करते हैं तो उसका कैरी आप ऐसे लगा देते हैं दूसरे में, तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे। स्टूडेंट मान लीजिए ये प्लस जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसी वाला क्वेश्चन है, मिनट वाला अलग है और आवर वाला अलग है। मान लीजिए आपके तीन क्वेश्चन है अलग अलग, ठीक है, आप ये सोच के इन्हें प्लस करेंगे सभी को। ठीक है जी, अब देखिए एट आपने 5 प्लस कर दीजिए, 8 5 कितने होता है 13, कैरी 1 और 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, अभी 7 और 3 10, कैरी 1, 5 1 6 और 1 7 और 9 और 7 60। तो ऐसे प्लस करना है, समझ गए आप लोग। अब क्या करना है, आप लोग जानते हैं कि जब भी 60 सेकंड हो जाएंगे तो ये 60 सेकंड नहीं रहती, मिनट बन जाती है ना। तो अब ये है 73, तो 73 में एक मिनट भी है भाई, है ना, एक मिनट है इसमें। तो जो भी 59 तक है वे तो सेकंड रहेंगे, अगर 59 से ज्यादा है तो उन सेकंड में उनसे हमें एक मिनट निकाल के इधर मिनट में ऐड करेंगे। फिर इसी प्रकार अगर 60 मिनट हो गई तो आप जानते हैं 60 मिनट मिलती सर 1 आवर बनाएंगी, तो आवर हमारे इधर है तो इसमें से आवर निकाल के हम इधर आवर में प्लस कर देंगे। ठीक है जी, अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। भाई 60 मिनट 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनाती है, तो 73 सेकंड जब मिलेंगे एक साथ तो कितनी मिनट बनाएगी। तो हम इसे 73 को 60 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, 60 बन जा 60, 3 बच गए और 7 में से 6 जाके 1 बच गया, तो 13 सेकंड आ गई। तो ये तो स्टूडेंट हो गए आपके पास सेकंड, और ये हो गए आपके पास मिनट। ठीक है जी, अब क्या हो गया आपके पास, 1 मिनट है तो हम और मिनट हमारे पास 70 है और 1 मिनट ये हो गई, तो हम इसे इसमें प्लस कर देंगे। तो जी 71 मिनट हो गई हमारे पास, है ना। अब 71 मिनट होती नहीं, इनमें भी 1 आवर आ गया, क्योंकि 60 होते सारा आवर बन जाते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, है ना, और जी 71 मिनट इज इक्वल टू 71 डिवाइड बाय 60, तो 60 बन जा 60, और 60 में से हमने 0 माइनस कर दी, 1 रह गए, और 7 में से
हमने 6 माइनस कर दिया तो 1 रह गई, है ना स्टूडेंट। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो हो गया हमारे पास आवर जो आंसर आएगा, और जो रिमाइंडर बचा हुआ हमारी हो जाएगी मिनट, ठीक है जी। तो हमारे पास एक 1 आवर ये हो गए, तो यहाँ 16 आवर हो रहे हैं हमारे पास, तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 16 और 1 कितने हो गए 70 आवर, ठीक है जी। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे 17 आवर 11 मिनट 13 सेकेंड, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ गया, तो जो रिमाइंडर बचा 11 रिमाइंडर बचा था, ये तो मिनट रह गई, और यहाँ 13 सेकेंड बचा था, यहाँ 13 सेकेंड हो गया। ओके स्टूडेंट, सारे प्लस के सवाल ऐसे हो गए। सबसे पहले आप इन्हें साधारण रूप से जोड़ लीजिए 3 क्वेश्चन मानकर, और फिर अगर 60 से ज़्यादा हो तो उसे डिवाइड करके मिनट में ऐड कर दीजिए, और जो मिनट में ज़्यादा हो उन्हें फिर आवर में ऐड कर दीजिए। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार होने हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देख लीजिए 50 और 25 कितने हो गए 75, और जी 8 और 6 14 कैरी 1, और 3 1 4 और 5 9, और जी 3 और 4 7 ये हो गए, है ना। अब इसे भी हम इसी प्रकार करेंगे, है ना। 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, और जी 75 सेकेंड इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 60, और 60 बन जा 60, बच गए 5, है ना, और बच गए 1, तो ये क्या बन गई थी सेकेंड, ये तो है आपकी सेकेंड, और ये है आपकी मिनट, और 94 मिनट आपके पास पहले से है, 1 मिनट और होगी, तो 1 मिनट इसमें ऐड कर देंगे, कितनी होगी 95 मिनट हो गया हमारे पास। तो अगर ये 60 से कम होती तो हमें इन्हें ऐड करने की या चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब ये 95 है तो इन्हें भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, और 95 मिनट इक्वल टू 95 डिवाइड बाय 60, और 60 बन जा 60, बच गए 5, और 6 9 में से 6 गए 3, तो स्टूडेंट ये हमारी मिनट आ गई, और ये हमारे आवर हैं, है ना। और तो 7 आवर आपके पास पहले से ही है, और तो 1 ही हो जाएंगे, तो प्लस कर देंगे 7 और 1 8, तो जी इसका आंसर लिख लो अभी आप 8 आवर 35 मिनट और 15 सेकेंड, ठीक है जी। और इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5 5 10, कैरी 1, 3 और 1 4, और 4 8, 5 5 10 कैरी 1, 2 1 3 और 1 4, और 7 और 3 10, तो स्टूडेंट ये आ गया। अब देखिए ये 80 है, अधिक है, तो अभी से चेंज कर लेंगे, यहां लिख लेंगे 160 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, और 80 सेकेंड इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 60, 80 बन जा 60 बन जा 60, बच गए 20, तो अब यहाँ हमारे पास क्या होगी मिनट,
और ये हमारे पास क्या होगी सेकंड, ठीक है जी, 1 मिनट हमारे पास होगी तो हम इसे इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा 41 है ना, लेकिन 41 60 से कम है तो ये आवर नहीं बना रही, आवर तो नहीं बन रहे, तो स्टूडेंट तो आगे प्लस नहीं होगा और ना ही डिवाइड होगा, बस इसका यही आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 10 आवर 41 मिनट और 20 सेकेंड, ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन हो रहा है राज बी, उसे भी देख लेते हैं। डी वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 डिजिट है ऐड करनी, तो 200 और 0 प्लस करेंगे फिर 2 आएगा, 224 और 48, 5 और 5 10 और 6 16 कैरी 1, 336 और 1718, अब जी 6 और 4 10 और 313 ये आ गया। अब देखिए जो आपके पास सेकेंड है 82 है, 60 से अधिक है तो हमें ने चेंज करना ही होगा, ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिख लेंगे 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट है ना, और 82 सेकेंड इज इक्वल टू 82 डिवाइड बाय 60, 60 टू बच गए, फिर 2 बच गए है ना, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होगी मिनट, और ये हो गई हमारे पास सेकंड, ठीक है जी, तो हमारे पास ये मिनट है तो हम मिनट को मिनट में ऐड कर देंगे, 86 मिनट थी 1 मिनट और जुड़ के 87 हो गई। अब स्टूडेंट 87 भी में भी आवर होते हैं क्योंकि 60 से अधिक हो गए, तो यहां लिखेंगे 16 मिनट इक्वल टू 1 आवर है ना, और 87 मिनट इक्वल टू 87 डिवाइड बाय 60, तो 60 बन जा 60 7 2, तो ये तो हमारे पास आवर हो गई और ये हमारे पास मिनट हो गई, तो हमारे पास 13 आवर है, 1 आवर और हो गए, कितने हो गए जी 14 आवर हो जाएंगे, तो अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 14 आवर 27 मिनट और 22 सेकेंड, और क्वेश्चन की इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऐड द फ्लोइंग, स्टूडेंट जैसा हमारा क्वेश्चन 1 हुआ सेम उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन 2 भी होगा, बस उसे थोड़ी सा लैंग्वेज सी में लिख दिया है ना, और उसके उससे आपको कॉलम में अरेंज करना होगा, ऊपर नीचे लिख के जब ऐड करना होगा है क्वेश्चन ऐड किए सारे, ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का ए 5 आवर 13 मिनट एंड 6 आवर 40 मिनट, तो इन्होंने क्या किया ये थोड़ा लैंग्वेज में बना दिया, तो आपको इसे कॉलम में अरेंज करके उसके बाद इसे ऐड करना होगा। देखिए आवर है तो पहले आप आवर लिख लेंगे है ना, मिनट है तो आप इधर मिनट लिख लेंगे, कितने आवर हैं 5, आवर के नीचे आप आवर लिखेंगे, इधर कितने आवर हैं 6, तो हमने आवर के नीचे आवर लिख लिया, इधर कितनी मिनट थी जी 30 मिनट और इस साइड कितनी है 40 मिनट, ओके स्टूडेंट, अब इसे आप ऐड कर सकते हैं 0 7 11, ठीक है जी, अब यहाँ पे 70 हो गए तो हम इसे चेंज कर लेंगे, लिखो जी
60 मिनट इक्वल टू 1 आवर और 70 मिनट इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 60। 60 बन जा 60, 70 बन जा 60 गए, 10 बच गए। तो ये तो आ गया आपके पास मिनट और ये है जी आपके पास आवर। आवर को हम आवर में प्लस कर लेंगे, 11 आवर हमारे पास थे, 1 आवर और ऐड कर दिए, कितने हो गए 12 आवर। अब इसका आंसर लिख लो आप, 12 आवर 10 मिनट। ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर बी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी 8 आवर 20 मिनट और 5 आवर 50 मिनट। तो सब इसी प्रकार कॉलम में अरेंज करना होगा। आवर लिख लीजिए और मिनट लिख लीजिए। लिख लिया 8 आवर है और जी 5 आवर है, 20 मिनट है और 50 मिनट है। एट 20, 5, 50, तो इन्हें ऐड कर लीजिए। यहां भी 70 हो गए, 8 और 5 13 हो गए। तो स्टूडेंट यहां पे लिखेंगे 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, 70 मिनट इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 60। 60 बन जा 60, 70 में 60 गए, 10 बचेगा। स्टूडेंट ये तो मिनट हो गया आपकी और जो आंसर आया वो आपका आवर हो गया। तो आपके पास 13 आवर है, 1 आवर और ऐड कर दिया, कितने हो गए 14 आवर और मिनट कितने रह गई थी आपके पास 10। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं 14 मिनट और 14 आवर 14 आवर 10 मिनट। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी 9 मिनट 25 सेकेंड और 13 मिनट 35 सेकेंड। तो इसे भी आप कॉलम अरेंज करेंगे, यहां पे मिनट लिखेंगे और इधर सेकेंड लिखेंगे। 9 मिनट है और 13 मिनट है और इधर 25 सेकंड है और 35 सेकंड है। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 5 10 carry 1 5 2 3 2 5 और 1 6। अब 9 और 3 12 carry 1 1 1 2, तो ये आ गया जी। अब 60 मिनट है, पूरी 16 सेकंड है स्टूडेंट, तो हमें पता है 16 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट है ना। तो अब हमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरी 16 है तो एक ही मिनट बना रही है, ये हमें पहले से ही पता। तो डिवाइड करके क्या फायदा, तो हम बस मिनट में ऐड कर देंगे 22 और 1 23। तो अब इसका आंसर लिख लेंगे जी, 23 मिनट और सेकंड कितनी आ जी 00 सेकंड, क्योंकि सारी की सारी मिनट में चली गई, सेकंड तो कोई बची नहीं है ना, तो इसलिए 0 सेकंड आंसर आएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर डी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी 48 मिनट 35 सेकंड एंड 14 मिनट और 15 सेकंड, इन्हें ऐड करेंगे। तो इससे पहले हमें इन कॉलम में ऐड कर लेंगे मिनट और सेकंड। 48 मिनट है जी आपके पास और 14 मिनट है,
इस साइड 35 सेकंड है और 15 सेकंड है, तो अब इन्हें ऐड कर लीजिए। 5 5 10, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, और जी 8 और 4 12, कैरी 1, 5 4 5 और 1 6। स्टूडेंट ये हो गया है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 सेकंड आ रहा है ना, 50 सेकंड मिलकर मिनट नहीं बनाती, तो हम इन्हें ऐड नहीं करेंगे है ना। तो ये ऐड होने के नहीं, क्योंकि इनमें मिनट ही नहीं है, सेकंड ही रहेंगी, चेंज नहीं होने की। अब ये मिनट है, तो चाहे तो आप इसे मिनट को सेम का सेम आंसर इतना ही छोड़ लीजिए, या फिर आप इन्हें मिनट को आवर में चेंज कर लीजिएगा है ना। तो 1 आवर 2 मिनट और 50 सेकंड आ जाएंगे आंसर है ना। अगर आप 60 को 60 से डिवाइड करेंगे, 62 को 61 आवर होगा और भाई 2 मिनट रिमाइंडर बचेंगे है ना। तो करके दिखा देते हैं आपको, अगर आप करना चाहेंगे कर लीजिए, नहीं इतना छोड़ना चाहेंगे तो नहीं छोड़ दीजिए। तो भाई 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर और 62 मिनट इज इक्वल टू 62 डिवाइड बाय 60, 60 1 60 2 0। तो ये तो आ गए हमारे आवर और ये आ गई हमारी मिनट। ओके स्टूडेंट, अब इसका आंसर लिख लीजिए। आंसर क्या आएगा, 1 आवर 2 मिनट और 50 सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी हमारे समाप्त हो गया इसी के साथ ही। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस DIFFERENCE डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर ए, आवर एंड मिनट। स्टूडेंट इनके ऊपर हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, आवर एंड मिनट। आवर कितने हैं जी, 25 आवर है और 17 आवर है और 35 मिनट है और 16 मिनट है। तो जी इन्हें माइनस करना आपको, तो स्टूडेंट इसे माइनस करना है। देखिए माइनस करना प्लस से थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। सबसे पहले आप ऐसे नहीं करने के भाई यहाँ 5 है और ये 6 है, इधर से के ले लिया 3+8 हमने माइनस कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे। पहले ये देखेंगे मिनट कितनी है, पूरी की पूरी मिनट देखेंगे जितनी भी लिखी हुई है उससे कितनी है। हमने मिनट देख लिया भाई 35 मिनट है और नीचे कितनी है जिस माइनस कर रहे 16 है। अगर ये बड़ी है तो यहाँ माइनस करें, अदरवाइज ना करें तो फिर क्या लेना होगा है ना। तो स्टूडेंट लेकिन 35 में से 16 माइनस हो जाएगा, इसलिए हमें कैरी की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ 15 हो गए, 15 में से 6 गए 9 है ना, यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 गए 1। और ओके स्टूडेंट यहाँ हो गए 5 में से 7 नहीं जाने, यहाँ 15 हो गए और 15 में से 7 माइनस कर दिए 8 बच गए और इधर 1 चला गया, 1 में से 1 माइनस कर दिया, यहाँ पर 0 रहेगी। तो यही आंसर आ गया आपका, क्या आ गया जी, 8 आवर 19 मिनट है ना। सोच रहे हो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें हमें साधारण ही करना पड़ा। अब बी वाला देख लीजिए, बी है आवर एंड मिनट, कितने हैं जी, 36 आवर है और 10 मिनट है और 19 आवर है और 45 मिनट है। ओके स्टूडेंट अब इसे माइनस कीजिए।
देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते, इधर से वन से फाइव वन ले लिया, यहाँ टेन हो गए, टेन में से फाइव गए फाइव, ऐसा नहीं करने गए, है ना। पहले देखेंगे हमारी मिनट कितनी है, ऊपर देखिए स्टूडेंट टेन है और नीचे 45 मिनट है, तो कभी भी 10 मिनट में से हम 45 मिनट को माइनस नहीं कर सकते, कर तो नहीं सकते, माइनस करने के लिए ऊपर बटे डिजिट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम इधर से केरी लेंगे, आवर पता है इधर मिनट की साइड है, केरी लेंगे। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कभी भी अनलाइक जो नंबर होंगे वो लाइक में, अनलाइक लाइक कभी प्लस माइनस नहीं होते, और लाइक लाइक ही माइनस होते हैं या प्लस होते हैं। तो ये हमारी आवर यूनिट है, ये हमारी मिनट यूनिट है। तो जब हम इस आवर से केरी लेंगे तो हम इससे पहले मिनट में चेंज करके तब इधर लाएंगे, ठीक है। तो जो ये आवर है, इस वन आवर को हम मिनट में चेंज करके तब मिनट की साइड लाएंगे। हम ऐसे नहीं ला सकते कि भाई वन इधर आ गया, यहाँ टेन थे तो 11 हो गया, तो 11 में से क्या 45 माइनस हो जाएंगे, नहीं ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वन आवर को इधर से जब लेंगे तो इसे चेंज करके लेंगे मिनट में। तो हमने स्टूडेंट इधर से वन ले लिया तो यहाँ कितने रह गए 35, है ना। और तो वन लिया, हम जानते हैं वी नो डेट, क्या जानते हैं कि वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होती है। तो स्टूडेंट हमारे पास 60 तो यहाँ आ गई इधर से, और 10 मिनट हमारे पास पहले से ही होगी, तो कितनी होगी टोटल 17 मिनट होगी, है ना। तो हमने 17 को यहाँ रख के माइनस कर लेंगे, है ना। यहाँ हो गए 10, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ रह गए 6, 6 में से 4 गए 2, है ना। अगले इजीली माइनस होगा, हर बार ऐसे ही करेंगे। जब भी आप कैरी लेंगे तो वो जो कैरी आप दूसरी, अगर आप आवर से कैरी ले रहे मिनट को दे रहे तब भी आप 60 ऐड करेंगे, आप मिनट पे से कैरी ले रहे और सेकंड को दे रहे तब भी आप 60 ही ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि वन आवर में 60 मिनट हो और वन मिनट में 60 सेकंड हो, है ना। तो आप जब भी कैरी लेंगे तो याद रखें हमेशा 60 ही ऐड करना माइनस वाले क्वेश्चन में। तो ये यहाँ अगर रह गए हमारे 35 में से आपके 9 नहीं जाने के, तो यहाँ 15 हो गए, 15 में से आपने 9 माइनस कर दिए तो कितने बचे 6, अब यहाँ रह गए थे 2 में से 1 गए 1, तो आपका आंसर आ गया 16 आवर 25 मिनट। ठीक है जी, अब हम सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऊपर जब भी लिखते हैं तो इनके ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, एक दो लाइन, ताकि ऐसे जब हम केरी लगाए तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो जी सी वाला है आपका, आवर भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है। ओके सर, तो 37 आवर 18 आवर 45 मिनट 26 मिनट 30 सेकेंड और 15 सेकेंड। तो जी ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो ऊपर क्या है 30 सेकेंड है और नीचे 15 है, 30 में से 15 माइनस हो जाएगा, हमें इधर से केरी लेने की आवश्यकता नहीं है, तो 13 में से 15 गए 15 ही बचते हैं। अब यहाँ क्या है 45 मिनट है और यहाँ 26 मिनट है, तो ये भी इजीली माइनस हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे 15, तो यहाँ 9 बच गए और यहाँ रह गए 3 में से 2 गए 1, है ना। अब स्टूडेंट यहाँ 37 है 18 है, ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितने हो गए 17 में से 8 गए 9 और इधर रह गए 2 और 2 में से 1 गए 1। तो स्टूडेंट इन्हें ऐड
चेक करने का भी एक तरीका है, इन दोनों को ऐड करके ऊपर ला आंसर आ जाए तो सही है। देखो 5 5 10 की 0 कैरी 1 1 1 2 और 1 3 और 9 और 6 15 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 और 9 8 17 का 7 कैरी 1 1 1 2 और 1 3। तो हमारा सवाल जो सवाल है हमारा ठीक है। ओके अब हम डी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। डी में भी आवर भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है जी। ठीक 25 25 और 25 आवर मिनट सेकंड 15 35 और जी 35। अब आप इसे माइनस कर लीजिए, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपका 25 सेकेंड है, नीचे 35 है, वो माइनस नहीं होने का, 25 से 35 माइनस नहीं होता। तो हम क्या करते हैं मिनट पर से एक कैरी ले लेंगे और वो कैरी कितना होगा हमेशा 60 और हम इन्हें ऐड कर लेंगे 055 और 6 और 28 कितना आएगा 85 आंसर आ गया। अब हमारे पास 85 मिनट हो गया। अब हम 85 से माइनस कर लेंगे 35, 5 में से 5 गए 0 और 8 में से 3 गए 5 है ना जी। अब आपने एक कैरी इधर दे दिया था तो आपके पास यहाँ कितने बचे 24। अब 24 में से 35 माइनस नहीं होने का, तो आप आवर पे से एक कैरी इधर ले लेंगे, तो आपको पता है वो कैरी हमेशा 60 ही होगा है ना। तो क्या होगा 24 और 60 को ऐड कीजिए 4 और 0 4 और 6 और 2 8 84 हो गया। अब 84 में से हम माइनस कर लेंगे 4 में से 5 माइनस नहीं होने के 14 हो गए, 14 में से 5 गए 9। अब यहाँ रह गए 7, 7 में से 3 गए 4 हो गए 8 हो गए है ना। अब यहाँ हो गए 14, अब यहाँ रह गए थे 7 है, 7 में से 3 गए 4 9 और 5 14 कैरी 1 और जी 4 और 4 8 ठीक होगा। अब एक के हमने इधर दे दिया तो यहाँ हमारे पास कितने बचे 24 है ना, 24 में से 15 माइनस हो जाएंगे यहाँ 14 हो गए, 14 में से 5 गए 9 बचते हैं। अब एक इधर से लगा था स्टूडेंट तो यहाँ 1 रह गए, 1 में से 1 गए 0 ठीक है जी। तो आपके ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए है ना डी वाला। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 सब्ट्रैक्ट द फ्लोइंग, ये भी सेम ऐसे ही होगा, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में दे रखा, आपको इसे कॉलम में अरेंज करना होगा है ना, जैसे आपने ऐड वाले क्वेश्चन को किया था ऐसे ही कॉलम में अरेंज करके ये माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट द फ्लोइंग 34 मिनट 20 सेकंड माइनस 13 मिनट 10 सेकंड। तो हम इन्हें कॉलम में अरेंज कर लेंगे। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले मिनट लिखेंगे और फिर सेकंड लिखेंगे, इसके ऊपर दो लाइन छोड़ देंगे है ना, ताकि जो कैरी आए वो उधर लिखा जा सके। 34 मिनट है और 13 मिनट है जी, और 20 सेकंड है और 10 सेकंड है ठीक है जी। 20 में से 10 जा सकते हैं, 10 बचेंगे, एक लेने की आवश्यकता नहीं है। 4 में से 3 गए 1 और 3 में से 1 गए 2 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट अब बी वाला क्वेश्चन, इसका तो स्टूडेंट बी वाला क्वेश्चन है 9 hour 10 minute and 10 second, इसमें से माइनस करना है आपको 2 hour 5 minute and 5 second ठीक है जी। तो सबसे पहले आवर मिनट सेकंड लिखिए, हमने शॉर्ट में लिख दिए है ना, आवर को एक्स लिख दिया
मिनट को एम आई एन लिख दिया और सेकंड को एस सी एस ई सी लिख दिया सेकंड। तो जी 9 hours 10 minutes 10 seconds 2 hours 5 minutes 5 seconds हम माइनस कर लेंगे। स्टूडेंट जो सेकंड होती है वो दो डिजिट में होती है और जो मिनट होती है वो भी टू डिजिट में होती है। तो अगर आपने इसे यहाँ ऐसे लिख दिया, अगर आपने ऐसे लिख दिया 1 के नीचे 5 तो ये अपना आप ऑटोमेटिक 50 हो जाएगा, 50 मिनट, ये 5 मिनट नहीं रहने का। तो इसलिए हमें इससे पहले 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। उसने पहले लिखा कि 5 सेकंड है, 50 सेकंड नहीं है, तो आप इसे टेंस प्लेस पे नहीं लिख सकते, ठीक है जी। 5 में से 5 गए 5 और 10 में से 5 गए 5 10 में से 5 गए 5 और यहाँ भी 10 में से 5 गए 5 और यहाँ 9 में से 2 गए 7 तो यही आंसर हो गया। अब सी वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सी 24 hours 35 minutes - 15 hours and 15 minutes पहले कॉलम में अरेंज कर लीजिए आवर एंड मिनट 24 hours 35 minutes 15 hours and 15 minutes। तो स्टूडेंट देखिए 35 में से 15 माइनस हो जाएंगे तो कैरी की आवश्यकता ही नहीं है, है ना। 5 में से 5 गए 0 और 2 3 में से 1 गए 2 है ना। अब जी 4 में से 5 नहीं जाने के, केयर ले लिया 14 हो गए, 14 में से 5 गए 9 और जी इधर रह गए 1 1 में से 1 गए 0 ये आंसर आपका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका डी। क्वेश्चन नंबर डी 11 hours 15 minutes 20 seconds -4 hours 20 minutes 30 seconds ठीक है जी। इसे कॉलम अरेंज कर लीजिए, ऊपर दो डिजिट छोड़, दो बॉक्स छोड़ के करेंगे आवर मिनट और सेकंड 11 hours 15 minutes 20 seconds अजी 4 hours 20 minutes 30 seconds ठीक है जी। अब माइनस कीजिए, अब आप देख सकते हैं ऊपर 20 सेकंड है, नीचे 30 सेकंड है। 20 सेकंड में से हम 30 सेकंड को माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम वन पता है 1 मिनट पे से इधर 15 मिनट से कैरी लेंगे। तो आपको पता है कैरी हमेशा वो 60 होगा और आप 20 में 60 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये आंसर 80 मिनट हो जाएगा। तो आपके पास 80 सेकंड आ गई यहाँ, है ना। 80 सेकंड में से आप 20 30 माइनस कर देंगे, 0 बच गई और 8 में से 3 गए 5 ठीक है जी। अब एक के लिए उधर चला गया था तो यहाँ कितने बच गए 14 और 14 में से आप 20 माइनस नहीं कर सकते तो आप आवर में से एक के लिए इधर लेंगे तो आप वो पद को पता ही है वो 60 होगा। 60 में 14 ऐड कर देंगे 0 4 4 और 6 7 7 74 मिनट हो गया आपका आपके पास। अब 74 में से 20 माइनस कर देंगे, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 का 4 ही बच जाएगा और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको 5 बच जाएगा ये, है ना। अब एक कैरी इधर चला गया, यहाँ भी 10 रह गए, 10 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। ओके स्टार्ट, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो जी क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखिए, आवर मिनट और सेकंड 2 hours 5 minutes and 5 seconds को 8 से मल्टीप्लाई करना। तो स्टूडेंट ये हम 3 क्वेश्चन अलग अलग मान के चलेंगे, सेकंड को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट को अलग करेंगे, आवर को अलग करेंगे। 5 के सेकंड के कैरी को हम 5 मिनट में ऐड नहीं कर सकते और मिनट के कैरी को हम आवर में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो देखिए 8 5 का कितने होते हैं 40, तो आप यहाँ 0 और ये 4 यहाँ पे नहीं दे सकते,
केरी के लिए ये अलग सवाल है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों को अलग अलग ही करना आपको, है ना। 5 8 5 40 और 8 2 60। तो स्टूडेंट यहाँ 5 से 40 सेकेंड है तो ये मिनट नहीं बनाती, जैसे प्लस हुआ था ना, प्लस में चेंज किया था, प्लस का सवाल करने के बाद सेम उसी प्रकार ये भी चेंज होगी। अगर 60 है या 60 से अधिक है तब देखो 40 है तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सेकंड ही है, ये मिनट ही है और ये आवर ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है जी आपका आवर मिनट, आवर और मिनट, 12 hour 15 minutes और मल्टीप्लाई है जी ये 3 से। ओके स्टूडेंट, ये 3 से है मल्टीप्लाई, एक बार देख लेते हैं अभी रहा नहीं। देखिए आप 53 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे या 15 की 3 में कर लो, 15 3 45 है ना, और 12 3 36। तो स्टूडेंट ये 45 है, इनमें आवर नहीं बने तो ये सेम का सेम ही आंसर रह जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी, सी में आपके आवर है, मिनट है, सेकंड है, 32 25 5 आवर मिनट और जी सेकेंड, 32 hour है, 25 minutes है और जी 5 seconds है। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी 5 से। ओके स्टूडेंट, तो अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे करेंगे 32 hour को, 25 minutes को और 5 seconds को। स्टूडेंट हमें सारों को अलग अलग ही है मल्टीप्लाई करना, 5 5 25, इसका कैरी इसमें नहीं जाने का। आज जी 25 5 125 है ना, और 5 2 10 10 की 0 कैरी 1 और 5 3 15 और 1 16। तो ये तो हमारी सेकंड है, सेकंड 25 है, ये 6 में मिनट नहीं बनती, अगर 60 होती तो हम चेंज करते। तो स्टूडेंट अब ये मिनट है ना, ये 125 है और 60 से अधिक होते सारे में आवर आ जा, तो हम इन्हें चेंज करेंगे। देखिए चेंज करने का तरीका वही रहेगा जो हमारा ऐड का था, क्या जी 60 minutes = 1 hour और 125 minutes = 125/60। तो 2 जा चल जाएगी, 125 बच गई है ना। तो अब आपके ये तो आ गया आवर और ये आ गया आपकी जी मिनट, तो आवर को आवर में प्लस कर लेंगे, ये हमारे पास आवर है, 2 ऐड कर देंगे, 2 6 1। तो अब इसका आंसर हमें लिखना ही होगा, 126 hours 5 minutes and 25 seconds। तो ये हो गया इतना हमारा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जी स्टूडेंट 10 minutes है और 10 seconds है, तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 50 और 10 5 50, तो 50 minutes 50 seconds आ गई, चेंज होने के ही नहीं क्योंकि 60 नहीं है। अब दूसरा देख लीजिए, 12 5 60 अजी 15 5 75,
स्टूडेंट इसे आप चेंज कर सकते हैं, देखो ये 60 सेकंड होगी तो आप यहां लिखते हैं, लिख सकते हैं 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, है ना। अब ये भी आपके पास मिनट है तो आप 75 में 1 जोड़ दीजिए तो 76 मिनट होगी। तो इसी तरह स्टूडेंट जैसा हमने वो पहले क्वेश्चन किया था है ना, उसे आवर में चेंज कर लिया था, तो चाहे आप इस आवर में चेंज कर ले 60 से डिवाइड करके, है ना, या फिर इतना ही छोड़ दे। इसमें किसका आंसर लिख सकते हैं आप 76 मिनट और 00 सेकेंड, है ना। अगर आप चाहे तो यहां लिख के 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर और इसे 76 को 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 बन जा 60 और बच गया 6 और 60 मिनट और 1 आवर आंसर आ जाएगा, है ना। अब एक वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर F। थर्टी टू जा 60 और जी 25 टू जा 50, तो ये आ गया जी, है ना। तो आप इसे भी चेंज करेंगे तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो स्टूडेंट ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता पूरी की पूरी मिनट इधर सेकेंड मिलकर 1 मिनट ही हुई, तो हमारे पास इधर 50 मिनट है तो यहाँ 51 मिनट हो जाएगी, है ना। तो ये 51 है तो इन आवर में भी चेंज नहीं कर सकते इस बार, तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप 51 मिनट और 00 सेकेंड। चेंज ना भी लिखो आप सेकेंड, क्योंकि जब ये 0 ही है तो क्या लिखना है ना स्टूडेंट। स्टूडेंट ये जो वीडियो है 15.2 ये काफ़ी लेंथी है, अगर हम इसे पूरी की पूरी बनाए एक ही पार्ट में तो कम से कम 1.5 घंटा लेगी, है ना। तो हम इसे सोच रहे हैं इसे 2 पार्ट में बना दें, है ना। एक तो हमने ख़त्म कर दिए यहाँ तक के मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है आपके, है ना स्टूडेंट। चलो मल्टीप्लाई खत्म करवा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 डिवाइड के रह देंगे और ब्लैंक पेज के रह देंगे और अगली वीडियो में ले लेंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीप्लाई 13 आवर 13 मिनट बाई 5। तो स्टूडेंट अगर ऊपर मल्टीप्लाई लिख रहा तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऊपर यहाँ पे डिवाइड लिखा होता और फिर भी बाई लिखा होता तो आप 5 से इसे डिवाइड करते, तो बाई का अपना कोई अर्थ नहीं होता, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है उसे ही हम करते हैं, ठीक है जी। तो इसे कॉलम में अरेंज कर लेते हैं, पहला आवर लिखेंगे उसके बाद मिनट लिखेंगे और 13 आवर 13 मिनट अब 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करनी आती है 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, और ऊपर 5 लिख रहा तो हम 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, 5 3 जा 50, है इसका कैरी हम इसे नहीं दे सकते आवर को, ये अलग अलग क्वेश्चन होते हैं आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब 3 5 जा 15 कैरी 1 और 5 1 जा 5 और 1 6, तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप 150 मिनट हो गई, है ना। तो ये मिनट इसमें आवर भी आ गई, जब तो 150 हुई तो हम क्या करेंगे इसे चेंज करेंगे। कर लीजिए, लिखिए यहाँ पे 20 मिनट इक्वल टू 1 आवर, यानी कि 60 मिनट जब एक साथ मिलती है तो 1 आवर बनाती है, तो 150 मिनट मिलकर कितनी आवर बनाएंगी। तो स्टूडेंट 150 डिवाइड बाय 60
सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन, ज्यादा हो जाने तो टू जा चला लो, तो सिक्सटी टू जा वन हंड्रेड ट्वेंटी, जीरो थ्री जीरो, तो ये जो आपके पास बच गए तो आप क्या होगी मिनट, और जो ये है जी ये हो गया आपके आवर, आवर को आवर में ऐड कर दीजिए, फाइव बाय टू सेवन सिक्स। अब आप इसका आंसर लिख लीजिए, सिक्सटी सेवन आवर थर्टी मिनट। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर बी, तो जी हम मिनट लिखेंगे, इधर सेकंड लिखेंगे, टेन मिनट फिफ्टीन सेकंड मल्टीप्लाई बाय फाइव, फिफ्टीन फाइव जा सेवेंटी फाइव और टेन फाइव जा फिफ्टी। ओके स्टूडेंट, सेवेंटी फाइव सेकंड नहीं होती तो इनमें मिनट है, तो अब मिनट को निकाल लेंगे कैसे, सिक्सटी सेकंड इक्वल टू वन मिनट। हम जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं कि जब भी 60 सेकंड एक साथ मिलेंगी तो वो एक मिनट बनाएंगी, तो 75 सेकंड मिलकर कितनी बनाएंगी, 75 डिवाइड बाय 60, 60 बन जा 60, बच गए 5, बच गए 1, है ना जी। तो ये तो हो गया आपके पास सेकंड, और ये हो गया आपके पास मिनट, तो मिनट को मिनट में ऐड कर लेंगे, 50 थी हमारे पास, 51 होगी, है ना, तो अब आंसर लिख देंगे आपका 51 मिनट और 50 सेकेंड, 51 मिनट 15 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सी, तो जी 2 आवर 5 मिनट 8 सेकेंड बाय 9, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करना, तो लिखिए जी आप आवर मिनट और सेकेंड, 2 आवर 5 मिनट और 8 सेकेंड। तो स्टूडेंट जो मिनट होते हैं सेकेंड होते हैं टू डिजिट में होते हैं, इसको पहले हमने जीरो लगा दी, है ना, वैसे भी आपको अलग अलग ही करनी थी, है ना, एट नाइन जा सेवेंटी टू, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, टू नाइन जा एट्टी, तो ये आ गए जी। अब हमारे पास 72 सेकंड है, 72 सेकंड होती नहीं तो अब इनमें मिनट छिपी हुई है, तो 60 सेकंड इक्वल टू वन मिनट और 72 सेकंड इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 60 और 60 बन जा 60। अब 2 में से 0 माइनस कर दिया 2 ही रहेंगे, 6 में से 7 में से 6 माइनस कर दिया 1, तो स्टूडेंट ये तो हो गया आपके पास सेकंड और ये हो गया आपके पास मिनट, और 45 मिनट आपके पास पहले से है, मिनट में मिनट ऐड कर देंगे तो 46 हो जाएगा, और 46 मिनट जो है आवर नहीं बनाती, है ना, तो आंसर उत्तर भी रहेगा, इन्हें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 18 आवर 46 मिनट और 12 सेकंड। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए डी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका डी, मिनट और सेकंड, 5 मिनट 23 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 9, 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 2 जा
18 अटू 20, अजी 5 नाइन जा 45, तो स्टूडेंट आपके पास ये सेकंड ज्यादा हो गई तो इन मिनट में चेंज कर लेंगे, लिखेंगे 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 207 सेकंड इज इक्वल टू 207 डिवाइड बाय 60, तो कितनी बार चल जाएगी, 3 चल जाएगी, 4 जा 24 ज्यादा हो जाएंगे, तो 7 में से 0 माइनस कर दिया 7, और 20 में से 18 गए 2। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 मिनट आ गई और ये हमारे पास सेकंड हो गई, ऐड कर दीजिए 48 हो जाएगा। अब आंसर लिख लीजिए इनका, 48 मिनट और 27 सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो आपका मल्टीप्लाई तक क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ओके स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो जाएगी। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है वरना, है ना। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।